डिग्नीटीज फ्रेंड्स एक्सलेंसीज मैं एक बार फिर अपने मित्र राष्ट्रपति जोकोविक का अभिनंदन करना चाहता हूं। उन्होंने इस कठिन समय में G20 को कुशल नेतृत्व दिया है और मैं आज G20 समुदाय को बाली डिक्लेरेशन के अनुमोदन के लिए भी बधाई देता हूं। भारत अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान इंडोनेशिया के सराहनीय इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने का भरसक प्रयत्न करेगा। भारत के लिए यह अत्यंत शुभ संयोग है कि हम G20 की अध्यक्षता का दायित्व इस पवित्र द्वीप बाली में ग्रहण कर रहे हैं। भारत और बाली का बहुत ही प्राचीन रिश्ता है। एक्सलेंसीज, भारत G20 का जिम्मा ऐसे समय ले रहा है जब विश्व जियोपॉलिटिकल तनावों, आर्थिक मंदी, खाद्यान्न और ऊर्जा की बढ़ी हुई कीमतों और महामारी के दीर्घकालीन दुष्प्रभावों से एक साथ जूझ रहा है। ऐसे समय विश्व G20 की तरफ आशा की नजर से देखता है। आज मैं ये आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत की G20 अध्यक्षता इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड होगी। एक्सलेंसी, अगले एक साल में हमारा प्रयत्न रहेगा कि G20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करे। प्राकृतिक संसाधनों पर ओनरशिप का भाव आज संघर्ष को जन्म दे रहा है और पर्यावरण की दुर्दशा का मुख्य कारण बना है। प्लैनेट के सुरक्षित भविष्य के लिए ट्रस्टीशिप का भाव ही समाधान है। इसमें लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अभियान एक बड़ा योगदान दे सकता है। इसका उद्देश्य सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को एक जन आंदोलन बनाना है। एक्सलेंसीज, आज आवश्यकता है कि विकास के लाभ सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी हो। हमें विकास के लाभों को ममभाव और समभाव से मानव मात्र तक पहुंचाना होगा। वैश्विक विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। हमें अपने G20 एजेंडा में वुमेन लीड डेवलपमेंट पर प्राथमिकता बनाए रखनी होगी। बिना शांति और सुरक्षा हमारी आने वाली पीढ़ियां आर्थिक वृद्धि या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का लाभ नहीं ले पाएगी। G20 को शांति और सौहार्द के पक्ष में एक दृढ़ संदेश देना होगा। यह सभी प्राथमिकताएं भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर में पूर्ण रूप से समाहित है। एक्सलेंसीज, G20 की अध्यक्षता ग्रहण करना हर भारतीय के लिए गर्व का अवसर है। हम अपने देश के विभिन्न शहरों और राज्यों में G20 की बैठकें आयोजित करेंगे। हमारे अतिथियों को भारत की अद्भुतता, विविधता, समावेशी परंपराओं और सांस्कृतिक समृद्धि का पूरा अनुभव मिलेगा। हमारी कामना है कि आप सभी मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत में इस अद्वितीय उत्सव में सहभागी होंगे। साथ मिलकर हम G20 समूह को वैश्विक बदलाव का कैटलिस्ट बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।